डॉक्टर एस के शिवाजी तिवारी सर को नमस्कार, उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा नमस्कार। मेरा प्रेजेंटेशन का टाइटल है छत्तीसगढ़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2005। छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी प्राइवेट एक्ट 2005 से पहले छत्तीसगढ़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2002 हुआ करता था। तो 2002 जो एक्ट था उसका सेक्शन 4 और 5, चूँकि मैं लॉ का विद्यार्थी रहा हूँ तो सेक्शन को थोड़ा अच्छी तरह से समझ पाता हूँ। तो जो सेक्शन 4 और 5 था उसी को लेकर सारा विवाद उत्पन्न हुआ था। सेक्शन 4 और 5 था, उसमें यह प्रावधान था कि कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ कैंपस में मेन कैंपस, ऑफ कैंपस, डिस्टेंस परिसर जो उनका होता है, वो केवल गजट में नोटिफाई करके वो यूनिवर्सिटी को स्थापित कर सकते हैं। जब छत्तीसगढ़ राज्य 2000 में बना था, नवंबर 2000 में, उस समय CM हुआ करते थे अजीत प्रमोद जोगी, जो सबसे पहले वो करियर की शुरुआत IPS के रूप में किए थे, उसके बाद वो IAS बने, उसके बाद राजीव गांधी के कहने पर उन्होंने पॉलिटिक्स में आया और फिर लेटर में वो छत्तीसगढ़ के CM बने। तो छत्तीसगढ़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट जो 2002 बनाया गया, उसके नियम इतने शिथिल थे, इतने वीक थे कि उसका बेनिफिट उठाते हुए छत्तीसगढ़ के हर गली, हर मोहल्ले में करीब 112 यूनिवर्सिटी जो है ओपन हो गया, जिसके लिए आपको प्रोफेसर यशपाल, जो UGC के चेयरमैन भी रहे हैं, तो प्रोफेसर यशपाल को PIL दाखिल करना पड़ा और उसके अकॉर्डिंग 2005 में फिर छत्तीसगढ़ शासन को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप जो है सारी यूनिवर्सिटी के मान्यताओं को रद्द कीजिए, क्योंकि उससे पहले यशपाल कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी थी जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि छत्तीसगढ़ की जो 112 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो नॉर्म्स को, UGC नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती है, जिसके कारण वो सभी यूनिवर्सिटी की मान्यताओं को रद्द कर दिया जाए। स्थिति ऐसी थी 2005 से पहले कि वहाँ के मेडिकल शॉप, वहाँ के रेस्टोरेंट, वहाँ के किसी भी होटल में यूनिवर्सिटी संचालित होने लगी थी। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं 2005 पे। ये छत्तीसगढ़ का आपका मानचित्र है, छत्तीसगढ़ का जो आपका जो तेलंगाना से सटा हुआ एरिया है जो काफ़ी नक्सल अफेक्टेड रहा है, बाकी वो छत्तीसगढ़ का आपका 3 पार्ट जो है वो काफ़ी सेफ है, लेकिन छत्तीसगढ़ की धारणा केवल जो बस्तर संभाग है, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर के कारण थोड़ा खराब बनता है आम पब्लिक के बीच में। छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा मैंने बताने की कोशिश की है। यहाँ छत्तीसगढ़ को बेसिकली जो रिलीजियस रूप से भी काफ़ी फेमस रहा है, राम वन गमन मार्ग भी काफ़ी एरिया रहे हैं वहाँ, पांडव ने भी अपना अज्ञातवास छत्तीसगढ़ के जो अमूझवाड़ का जंगल है, ऐसी जनश्रुति है कि उन्होंने वहाँ काटा था। और जहाँ मैं पोस्टेड हूँ, जो आप सब सुनते होंगे रामायण में कि जो शिबरी नारायण है, शिबरी नारायण एक जगह है वहाँ, अभी सिटी है, पहले वो शबरी नारायण हुआ करता था, भ्रंश होते होते अब वो शिबरी नारायण के रूप में जाना जाता है। वही शबरी का जो कथा सुनते हैं कि जिन्होंने श्री रामचंद्र ने वहाँ बैर खाया था, वो स्थल वहाँ मौजूद है आपका। तो छत्तीसगढ़ को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है इलेक्ट्रिक का छत्तीसगढ़ में होता है, और राइस बॉयल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि वहाँ धान की मोर देन 10,000 वैरायटी होती है। तो थोड़ा सा ये छत्तीसगढ़ का इंट्रोडक्टरी पार्ट था। ये न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स है उस समय की, द हिंदू का क्लिपिंग्स है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स 112 प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन छत्तीसगढ़ इलीगल। जो 2005 का जो डिसीजन आया था उसमें उसने बोला है सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर यशपाल के PIL के आधार पे कि वो जितना भी वो है अवैध है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, रिट पिटीशन नंबर है, जो लोग लॉ से संबंधित रहे हैं उसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या रिट पिटीशन होता है, PIL क्या होता है, कौन कौन से एक्ट का यूज करते हैं, उनको किया गया था। ये देखिए आपका जो 112 यूनिवर्सिटी थी, किसी तरह की कोर्स कराती थी जो UGC के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड नहीं थी, न ईयर के मामले में रिकॉग्नाइज्ड थी, न कोर्स नेम के मामले में रिकॉग्नाइज्ड थी। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो 112 यूनिवर्सिटी को बैन किया गया था उसकी ये लिस्ट है। अभी वर्तमान स्थिति ये है, जब 2005 का एक्ट आएगा उसका नियम काफ़ी स्ट्रिक्ट किया गया। नियम स्ट्रिक्ट होने के कारण अभी वर्तमान छत्तीसगढ़ की स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ में 14 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं जिसका नेम मेंशन किया गया है।
और मात्र 8 प्राइवेट यूनिवर्सिटी बचे हैं आज 2018 की स्थिति में। ये छत्तीसगढ़ का प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक 2005 का देन है कि मात्र, और प्रोफेसर यशपाल का भी मतलब पूरा हिंदुस्तान आभारी है कि उन्हीं के PIL के आधार पर UGC ने केवल छत्तीसगढ़ का प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट में अमेंडमेंट नहीं किया गया, उसको रिपील ही नहीं किया गया। UGC ने 2003 में फॉर मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेशन 2003 का निर्माण किया, जिसके आधार पर अब यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी उसी के रेगुलेशन के बेस पे हर स्टेट ने अपना अपना रूल में अमेंडमेंट किया, और आज स्थिति यह है कि हर जगह प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है सबको फॉलो करना पड़ता है, UGC के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। अभी छत्तीसगढ़ में मात्र 8 यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। 2015 में एक और यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, महर्षि मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिलासपुर में थी, तो इसमें फर्दर आपको आएगा उसका जिक्र। इसमें टोटल 44 सेक्शन है, तो सेक्शन 41 जो है उसमें राज्य शासन को विशेष पावर दिया गया है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन के निर्देश का पालन नहीं करेगा उसकी मान्यता नोटिस देकर तत्काल उनकी समाप्त कर दी जाएगी। ये एक्ट नंबर 13 है 2005 का। टोटल इसके 5-6 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट प्रिलिमिनरी है जिसमें केवल 2 सेक्शन है। सेकेंड पार्ट जो है आप चैप्टर जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी कैसे कैसे इस्टेब्लिश की जाएगी उसकी टर्म कंडीशंस इसमें मेंशन है, और इस्टेब्लिशमेंट के बाद उसका ऑपरेशन कैसे होगा, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा उसके बारे में जिक्र सेक्शन 10-15 के बीच में है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जिक्र चैप्टर 4 में है। 5th में बाइंडिंग ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये सबसे मेन है प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर लगाम लगाने के लिए। जो चैप्टर 5 है उसमें मात्र 2 सेक्शन है, लेकिन 2 सेक्शन में राज्य सरकार को विशेष शक्ति दी गई है कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन PURC जिसका मुख्यालय रायपुर में है उसके द्वारा एक टीम का गठन करके वो चाहकर उसका पालन प्रतिवेदन जो उन्होंने दिया था LOI के समय जो टर्म कंडीशन उनको असाइन किया गया था अगर पालन नहीं किया है तो जांच कराकर उनकी मान्यता को रद्द कर सकता है। चैप्टर 6 मिसकुलनियस पार्ट है। प्रिलिमिनरी पार्ट जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें एक्ट का नाम वगैरह रहता है, कहाँ लागू होगा, कब से इफेक्टिव होगा, उसके बारे में रहता है। सेक्शन 1 जो है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिशमेंट है जिसका जिक्र मैंने किया। इसमें जितने भी इस टोटल 28 पेज का ये रेगुलेशन है जिसमें आपको टोटल जितने भी इस एक्ट में इस रेगुलेशन में जितने भी आपका जो टेक्निकल वर्ड यूज किए गए हैं उसका मीनिंग उसका डिफिनेशन दिया गया है ताकि किसी तरह की भ्रम की स्थिति ना हो या कोई भी संस्था उस भ्रम का फायदा ना उठाए। इसमें ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के क्या क्या उद्देश्य होंगे, ज्ञान का जो सृजन करना होता है, रिसर्च को बढ़ावा देना होता है, और किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा उस सब के बारे में जिक्र इस सेक्शन में किया गया है। क्योंकि समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग बढ़ते हैं। जो मेन पार्ट है जो सेक्शन फाइव में जैसे किसी को प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलना है शहरी एरिया में 15 एकड़, ग्रामीण एरिया में 20 एकड़ जमीन होना चाहिए, और UGC द्वारा स्टैंडर्ड जो निर्धारित किया गया है वो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है तो आप एक एप्लीकेशन प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी एक्ट को जो रेगुलेटरी कमीशन है रायपुर में उसको आप जो निर्धारित प्रपत्र है उसमें आप भेज सकते हैं उसके बारे में है, और भेजने के बाद जो प्रपोजल का एवेलुएशन किया जाएगा, एवेलुएशन के लिए कमेटी बनाई जाती है उसका जिक्र सब पार्ट में किया गया है। इशूइंग लेटर ऑफ इंटेंट जिसको LOI बोलते हैं, LOI में सब मेंशन किया जाता है कि आपको कौन कौन से नॉर्म्स का पालन करना है ताकि आपकी मान्यता को कंटिन्यू रखा जाएगा। ये कंडीशंस हैं कैसे कैसे कंडीशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र में खोलने पर थोड़ा ज़्यादा विशेष प्रीफर किया जाता है। सबमिशन ऑफ कंप्लायंस रिपोर्ट वेरिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन, जब आपने अप्लाई किया तो वहाँ से आपका पालन प्रतिवेदन उसका जो वैल्यूएशन हुआ है उसका सबका रिपोर्ट इसके तहत क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसके बारे में जिक्र इसमें किया गया है। इस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन का जिक्र इस सेक्शन में है, और उसके बाद किसी छात्र के साथ अहित न हो उसके लिए एंडाउमेंट फंड जनरल फंड बनाया जाता है, और वो पैसा प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन को जमा करना पड़ता है। उस टोटल जो फीस बच्चों से कलेक्ट करते हैं उसका 1% जनरल फंड जो होता है वो आपको राज्य के संचित निधि में उसको जमा करना होता है। जनरल फंड का क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या उसका यूज है उसके बारे में इसका डिस्कस किया गया है। सेक्शन 14 ऑफिसर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे उसके बारे में जिक्र इसमें किया गया है। विजिटर प्राइवेट यूनिवर्सिटी का विजिटर गवर्नर होते हैं, चांसलर गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वाइस चांसलर
चांसलर के द्वारा विजिटर के अनुमोदन से किए जाते हैं नियुक्त, रजिस्ट्रार प्रक्रिया आप लोग जान ही रहे हैं, चीफ फाइनेंस अकाउंट्स ऑफिसर, ये सब ऑफिसर्स हैं जो हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी फॉलो करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट करना होगा। सेक्शन 15 जो है विजिटर के बारे में है, उनके अधिकार कर्तव्य उनकी शक्तियों के बारे में है। सेक्शन 16 जो चांसलर के बारे में, चांसलर के पास क्या क्या अधिकार होगा उससे संबंधित ये सेक्शन 16 है। सेक्शन 17 जो है आपका वाइस चांसलर का, जो कैसे नियुक्ति होगा, कैसे सर्च कमेटी बनेगी, कैसे उनके पास क्या क्या राइट्स होंगे, उसका जिक्र सेक्शन 17 में किया गया है। सेक्शन 18 जो है आपके रजिस्ट्रार के बारे में है, रजिस्ट्रार की नियुक्ति और उनके कर्तव्य, उनके अधिकार के बारे में जिक्र इसमें सेक्शन 18 में किया गया है। सेक्शन 19 जो है आपका चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर की शक्तियाँ, उनका अधिकार, उनके ऑडिट पावर वगैरह का सब जिक्र इसमें किया गया है। सेक्शन 20 जो है अदर्स ऑफिसर यूनिवर्सिटी के, जो और इसके अलावा जो ऑफिसर्स होते हैं, लाइब्रेरियन होते हैं, स्पोर्ट्स ऑफिसर होते हैं, और भी जो अदर्स ऑफिसर होते हैं उनका जिक्र इसमें कैसे नियुक्ति की जाएगी, क्या स्केल दिया जाएगा, उसके बारे में जिक्र इसमें किया गया है। सेक्शन 21 जो है अथॉरिटीज ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के कौन कौन से अथॉरिटी होंगे, इसका हेड होता है वाइस चांसलर, इसके जो चेयरमैन होते हैं वाइस चांसलर होते हैं उनके अंडर में, और दो सीनियर प्रोफेसर, उसके अलावा फाइनेंस ऑफिसर और भी जो अथॉरिटी के सदस्य होते हैं, रजिस्ट्रार वगैरह सब मेंबर होते हैं, उसके बारे में जिक्र इस पार्ट में किया गया है। सेक्शन 22 जो है गवर्निंग बॉडी यूनिवर्सिटी, जो गवर्निंग बॉडी शासी निकाय होता है, इसमें राज्य शासन से भी दो मनोनीत किए जाते हैं, उसका जिक्र किया गया है, और यूनिवर्सिटी के सीनियर मोस्ट प्रोफेसर होते हैं और भी मेंबर होते हैं, इसका भी चेयरमैन जो होता है वाइस चांसलर ही होता है। सेक्शन 23 जो है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी बनाया जाता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मैनेज करने के लिए, उसका जिक्र इसमें किया गया है। चूंकि समय कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी स्किप करके बढ़ते जा रहा हूँ। सेक्शन 24 जो है एकेडमिक काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का सबसे मुख्य अंग होता है, जो मतलब एकेडमिक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए उत्तरदायी होता है, इसका सेटअप आप जनरली एज वेल एज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। सेक्शन 25 जो है अदर अथॉरिटीज, उसके अलावा और क्या अथॉरिटीज होंगे उसका जिक्र इसमें किया गया है। द फर्स्ट स्टेट्यूट, जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गई तो उसका जो परिनियम बनाया जाएगा, पहला परिनियम, उनको क्या क्या मतलब उसमें शामिल करना होगा उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। और फर्स्ट, जो फर्स्ट स्टेच्यू बनते हैं उसका अनुमोदन आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन से कराना होता है, उसके बाद जो फॉलोड जो स्टेच्यूज होते हैं उसका जिक्र इसमें है इस सेक्शन में, कि फिर कैसे फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, उसका नया जो विनियम है कैसे बनाएंगे। उसी तरह फर्स्ट ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस में सारा चीज़ का जिक्र होता है, कैसे डिग्री अवार्ड की जाएगी, कैसे नियुक्ति की जाएगी, पीएचडी रेगुलेशन से लेकर हर कुछ का जिक्र ऑर्डिनेंस में होता है। इसका भी अनुमोदन आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन से कराना पड़ता है, ताकि मतलब स्टैंडर्ड रहे, कोई ऐसा नहीं कि अपना मन से कोई दो साल का कोर्स कर ले, एक साल का कोर्स करे, यूजीसी को नॉर्म्स को फॉलो करे, इसके लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी का भी ऑर्डिनेंस होना जरूरी है, जिसका अप्रूवल पीयूआरसी करता है और गवर्नर से फाइनली उसको अप्रूव कराना होता है। सेक्शन 29 उसी के बारे में है, जो उसके बाद का जो अमेंडमेंट होकर जो ऑर्डिनेंस बनेगा उसका जिक्र इसमें है। सेक्शन 30 जो है आपका वैकेंसी नॉट टू बी इनक्रेडिबल टू प्रोसीडिंग ऑफ एनी अथॉरिटी और बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी, इसमें जिक्र है कि किस मतलब वैकेंसी को कैसे फिलअप किया जाए, उसके बारे में उनके अधिकारी क्या शक्तियाँ हैं उनके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। उसी तरह वैकेंसी को भरने के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी उस संबंध में जिक्र इसमें किया गया है। अलग अलग कमेटी जो बनाई जाती है हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेजेज में जो कमेटी होती है उसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी फॉलो करना है, उसका जिक्र इसमें है। मोड ऑफ प्रूफ ऑफ यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड, यूनिवर्सिटी का जो रिकॉर्ड है उसको कैसे आप प्रूफ रखेंगे ताकि जांच के समय आप दिखा सके, उसका जिक्र इस पार्ट में है। अब मेन पार्ट पे इसका जो आते हैं आपका जो चैप्टर 4 है, जो रेगुलेटरी कमीशन है, ये सबसे बड़ी बॉडी है प्राइवेट यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करने के लिए। इसी का देन है कि छत्तीसगढ़ में मात्र 8 प्राइवेट यूनिवर्सिटी बची है। एक समय था कि 2003 में 112 यूनिवर्सिटी थी, मात्र 2 साल में 112 यूनिवर्सिटी खुल गई थी, और छत्तीसगढ़ स्थापना का 18 साल होने के बावजूद भी चूंकि 2005 का नियम आने के बाद मात्र 8 यूनिवर्सिटी बची हैं, तो इसके पास बहुत विशेषाधिकार हैं। एनुअल रिपोर्ट, जो भी आप गतिविधि पूरे साल भर करते हैं उससे संबंधित एनुअल रिपोर्ट को आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन को भेजना पड़ता है, उसी संबंध में जिक्र इसमें किया गया है कि एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या शामिल रहेगा, आप बाध्यकारी हैं कि आपको भेजना ही है वहाँ, बिना उसके अप्रूवल के आप जो है आपके जो एफिलिएशन है कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं। एनुअल अकाउंट्स का भी उनका ऑडिट किया जाता है, जिस तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी ऑडिट होता है उसी तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटी का भी ऑडिट किया जाता है। पीरियोडिक इंस्पेक्शन, बीच बीच में इंस्पेक्शन भी होते रहते हैं ताकि वो मतलब सभी नॉर्म्स को पालन कर रहे हैं या नहीं। वाइंडिंग ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये सबसे मेन पार्ट है, ये कहिए कि ये ब्रह्मास्त्र है
जिसका यूज करते हुए प्राइवेट यूनिवर्सिटी को पूरा रेगुलेट कर दिया गया है वहाँ। आज स्थिति यह है कि मात्र 8 यूनिवर्सिटी बचे हैं और लिमिटेड कोर्स वहाँ केवल संचालित है। सबसे बड़ा देन उस यही सेक्शन का है, जो चैप्टर 5 है इसका सेक्शन 40 और 41, इसमें राज्य शासन को विशेष शक्ति दिया गया है कि आप नोटिस दीजिए, जांच कराइए और तत्काल उनकी मान्यता को आप रद्द कर सकते हैं। पहले बहुत सिंपल प्रोसीजर था, पहले यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए वहाँ ये था कि आप केवल PURC को सूचित कीजिए और उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट का जो राजकीय मुद्रणशाला होता है वहाँ आप फी को पे करके आप गजट में प्रकाशित करा लीजिए और यूनिवर्सिटी आपका ओपन हो गया। लेकिन अब काफ़ी टर्म कंडीशन को स्ट्रिक्ट किया गया है। वही सेक्शन 14 जो मैं बता रहा था वही उसी संबंधित है कि कैसे कैसे उसको मैनेज किया जाएगा। अगर कोई वो है मैनेजमेंट स्पॉन्सरिंग बॉडी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोई भी अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो उसकी स्पॉन्सरिंग बॉडी होती है, मैनेजमेंट कमेटी होती है, अगर वो भंग हो जाती है तो राज्य शासन उसको चला सकती है, किसी यूनिवर्सिटी के साथ अटैच कर सकते हैं। उस संबंध में इसको इसके बारे में दिया गया है सेक्शन 14 में। 41 जो है राज्य शासन को ये विशेष पावर, जिसका जिक्र मैं किया कि राज्य शासन की क्या क्या विशेष शक्तियाँ हैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मान्यता को समाप्त करने के मामले में, जाँच करने के मामले में, उसके बारे में है। इसी सेक्शन 41 का यूज करते हुए 2015 में एक और यूनिवर्सिटी की मान्यता को रद्द किया गया था। जस्ट 2 मिनट सर। ये पावर टू मेक रूल्स, इससे संबंधित जो नियम बनाने की शक्ति हर इलाका या हर किसी भी इलाका या IPC हो, CRPC हो, कोई भी एक्ट हो, उसका एक ये पार्ट जरूर रहता है कि आप जो है नियम बनाने की शक्ति, अब तक जो नियम बना है वो तो कंटिन्यू रहेगा ही, उसके बाद अमेंडमेंट करने की शक्ति और नियम बनाने की, फर्दर नियम बनाने की शक्ति किसके पास रहेगी, उसका जिक्र इस सेक्शन में किया गया है। सेक्शन 43 पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, अगर कोई संचालन में किसी तरह की अगर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो उसकी डिफिकल्टीज को कैसे दूर किया जाएगा, इसका जिक्र इसमें किया गया है इस पार्ट में। ये लास्ट है जो हर किसी भी एक्ट का ये मैंडेटरी पार्ट होता है, हिंदुस्तान का किसी भी एक्ट का ये मैंडेटरी पार्ट होता है, रिपील्स एंड सेविंग्स। रिपील्स एंड सेविंग्स का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए इससे पहले छत्तीसगढ़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 से पहले छत्तीसगढ़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2002 था, तो दो ये जब से लागू हुआ उसी दिन से, जिस दिन गजट में नोटिफाई हुआ उसी दिन से 2002 का नियम जो है स्वतः समाप्त माना जाएगा। और उस संबंध में अगर कोई भी मतलब भ्रम की स्थिति बनती है तो उसका क्लियरेंस इसी एक्ट के तहत किया जाएगा। तो यही टोटल था। थैंक यू।